हेलो नमस्कार दोस्तों, टिप्स टू लर्न में मैं रविंद्र गहलोत आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आज आप सीएसआई के अंदर जीपीएफ विड्रॉल की रिक्वेस्ट कैसे डालोगे। तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखिएगा, आपको मैं पूरा प्रोसेस समझाऊंगा कि किस तरह से आप जीपीएफ की विड्रॉल की रिक्वेस्ट डालोगे सीएसआई के अंदर। तो दोस्तों स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको सैप लॉगिन करना है, अपनी आईडी सैप में डालने, आईडी पासवर्ड डालने के बाद में सैप लॉगिन होने के बाद में, जैसे मैं यहाँ से सैप लॉगिन करता हूँ, एक सेकंड, यहाँ पे एम्प्लॉय पोर्टल है, डीओपी मेन स्क्रीन में जाने के बाद में एम्प्लॉय पोर्टल यहाँ से अलाउ कर देना है। इसके बाद में अपने सामने किस तरह की विंडो खुलेगी और यहाँ पे अपना आईडी पासवर्ड डाल देना है। आईडी पासवर्ड डालने के बाद में लॉग ऑन करना है। दोस्तों इस तरह से अपने पास सामने एक मैसेज आएगा और इस तरह की विंडो हमारे सामने होगी। तो इसके अंदर अब दोस्तों अपने को एम्प्लॉई सेल्फ सर्विस थर्ड ऑप्शन है, इसमें जाना है और यहाँ पे एम्प्लॉई पेमेंट्स पे क्लिक करना है और इसके अंदर जीपीएफ विड्रॉल नाम का एक ऑप्शन आएगा नीचे थोड़ा, ये जीपीएफ विड्रॉल दोस्तों इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस तरह की विंडो खुलेगी जिसमें आपका नाम एड्रेस सब कुछ होगा। तो दोस्तों आपको सबसे पहले जीपीएफ का इसका रीजन बताना है, जैसे मैं यहाँ रीजन दूंगा इसका रिकंस्ट्रक्शन नहीं, मैं एजुकेशन दे देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे रीजन ढूंढता हूँ, एजुकेशन रिकंस्ट्रक्शन कर देते हैं और 1,20,000, चलो एक बार 12,000 करके, और डेट ऑफ जीपीएफ विड्रॉल की आज की डेट होगी। और डालने के बाद में यहाँ पे चिल्ड्रन जैसे हाउस कंस्ट्रक्शन नहीं, ये मैं एजुकेशन कर लेता हूँ, इसको एजुकेशन करने के बाद में जैसे मेरा रीजन एजुकेशन ये रहा एजुकेशन, तो इसमें मैं डाल देता हूँ फॉर चिल्ड्रन एजुकेशन, इस तरह का रिमार्क डाल देता हूँ मैं। और उसके इसके बाद में मैं इसको दोस्तों सबमिट कर देता हूँ और अब ऊपर मैसेज आएगा एक, ये एक 12,000 रुपये डाले और सबमिट करने के बाद में ऊपर मैसेज आएगा रिक्वेस्ट सबमिटेड सक्सेसफुली। आप दोस्तों इसको रिक्वेस्ट को देख भी सकते हो, ये माई रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है आपको और यहाँ पे आपको ये दिखाएगा कि आपने 12,000 की रिक्वेस्ट इतनी तारीख को डाली थी, क्या रीज़न था। तो दोस्तों अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। सुनने के लिए थैंक यू।